अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऐसा ग्रामर है जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करने से डरते हैं या उसे छोड़ देते हैं। आज का ये वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए ही है, जिसमें हम इसका बेसिक रूल्स और टाइप्स वगैरह देखेंगे। इसके बाद एक एक करके एक एक टॉपिक पर सेपरेटली मैं वीडियोज बनाऊंगा, ताकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके आसानी में समझ में आ सके। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इंशाल्लाह इतने आसान तरीके से आपको ये ग्रामर समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके दिल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डर निकल जाएगा। तो मैं रोशन जमीर कुरैशी, असिस्टेंट टीचर, नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो तमाम वीडियोज हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाए। तो जैसे कि आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पहले हमें यह समझना जरूरी है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो यहां पर मैंने पहले डायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ लिखा हूं और आपको सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या चेंज होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हो कि डायरेक्ट स्पीच के मायने होते हैं कि इसमें जो कहने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, जो अपनी बात बोलता है, उसे हूबहू उसी के अंदाज में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। जैसे यहां ये सेंटेंस आपको नजर आ रहा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये किसी की जबान से बोले गए अल्फाज हूबहू जैसे के वैसे लिखे हुए, इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पर ये जो मैंने एक सेंटेंस लिखा हूं, उमर सैड टू मी, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। इसके अंदर जो है स्पीकर, बोलने वाला, जैसे यहां उमर है ये स्पीकर होता है और मी ये लिसनर होता है, जो बात को सुनता है। और यहां ये जो सैड टू लिखा हुआ है, यहां से आता है, सैड आता है, सेज आता है, सेज टू आता है, विल से आता है, तो इनको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। आपको ये पॉइंट इसलिए याद रखना है कि आगे हम जो रूल्स लिखेंगे इसी के मुताबिक लिखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो ये जो बोलने वाले अल्फाज है, ये जो वर्ब है, सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, से फर्स्ट फॉर्म, तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इसे आपको जहन में रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो पूरा सेंटेंस है इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। ये पूरे सेंटेंस को, जो पहला सेंटेंस है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, और इसके अंदर जो सेट दिया हुआ है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। फिर यहां पर जुमलों को जोड़ने के लिए कॉमा का इस्तेमाल होता है, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का ये जो पूरा सेंटेंस है इसे रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ये रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर यहां पर जो है कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज होता है। जैसे इसके अंदर आस्क आता है, आस्क्ड आता है, टोल्ड आता है, टेल आता है, इंक्वायर्ड आता है, उसके बाद में जो है अगर किसी चीज के बारे में एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस रहा तो एक्सक्लेम्ड आता है, यह चेंज होता है। स्पीकर और लिसनर के अंदर कोई चेंज नहीं होता। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसके अंदर जो है सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है, और जो है स्पीकर और लिसनर में कोई चेंज नहीं होता है। जब जुमला आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो चेंजेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। क्या क्या चेंज होता है, कौन कौन सी चीजें चेंज की जाती है, वो हम जो है आगे देखेंगे। तो आपको पहले यह समझना है कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या है। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब हम जुमले को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट किसको कहते हैं, पहले यह समझ लेना जरूरी है। अब जैसे कि यहां पर उमर ने मुझसे कहा, अब उमर जो है मुझसे यानी फर्स्ट प्रोनाउन से बात कर रहा है कि आई एम प्लेइंग अ गेम, मैं खेल खेल रहा हूं। अब इस बात को इसने सुना, लिसनर ने, और ये लिसनर सुनकर उधर जाकर उसकी बात को बयान कर रहा है। जब ये लिसनर उधर जाकर उसकी बात को बयान करेगा,
वो इनडायरेक्टली कहेगा, जैसे वो आई नहीं कहेगा क्योंकि ये आई का इस्तेमाल उमर के लिए हुआ था, तो ये प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो उसमें फिर एक खास चीज को आपको जहन में रखना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस आता है जैसे सेज या फ्यूचर टेंस आता है विल से, तो इधर जो है इसका टेंस नहीं बदलता, मतलब जो टेंस का डायरेक्ट सेंटेंस होता है वही टेंस में इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखा जाता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी यहां पर अगर सैड आता है या सैड टू आता है, ये पास्ट में आता है, तो उस वक्त जो है उसका टेंस चेंज होता है यानी उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज किया जाता है। तो यहां पर मैंने पास्ट का लिखा हूं जैसे कि सैड, हम वो देखेंगे और एक प्रेजेंट वाला भी देखेंगे किस तरह से चेंज नहीं होता है। तो यहां सैड है इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा और हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक ही उसका जो है वर्ब रहेगा, जैसा हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक टेंस के मुताबिक उसका वर्ब। इस तरह से जो है इसके अंदर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बात की जाती है तो कुछ एडवर्ब होते हैं, कुछ टाइम्स वाले वर्ड होते हैं, जैसे दिस होता है, डेट होता है, यस्टरडे होता है, टू होता है, ये भी चेंज किए जाते हैं, जिसके पूरा एक बॉक्स मैं आपको आगे बनाकर दूंगा कि इसमें आपको तीन बॉक्स जो है इंपॉर्टेंट है, वो तीन बॉक्स आपको याद रखना है। अगर आपने ये तीन बॉक्स याद रख लिए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप आसानी से समझ सकते हो। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब हम देखेंगे जो है इस डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया जाता है, डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया जाता है तो क्या कौन कौन से चेंजेस होते हैं। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है और उसमें क्या क्या तब्दीलियां की जाती है। जैसे कि हमने इससे पहले डायरेक्ट सेंटेंस देखे कि किसी के जरिए बोली गई बात को हूबहू उसी अंदाज में कहा जाता है, फिर बाद में उसकी बात को कोई फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन जो है उसको बयान करता है। तो जब किसी के जरिए बोली गई बात जब दूसरा आदमी जाकर बोलता है तो वो थर्ड प्रोनाउन के अंदर चेंज हो जाता है और उसमें बहुत सारी तब्दीलियां की जाती है। अब ये जो इनडायरेक्ट के मैंने यहां पर छह रूल्स लिखा हूं तो ये बेसिक है, ये तमाम किस्मों के अंदर जो है ये रूल्स चेंज हो गए, जिसमें सबसे पहला जो रूल है जो आपको जहन में रखना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया हूं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहा जाता है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का सेंटेंस बनाया जाता है, जैसे मैंने यहां पर डायरेक्ट का सेंटेंस लिखकर रखा हूं ताकि आपको इसके साथ साथ उसको समझा सकूं। अब यहां मैंने लिखा हूं कि आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे अपने नोटबुक के अंदर नोट करके रख सकते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के लिए से जो है क्या क्या आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या पूछा जाता है, से पूछा जाता है, सेस पूछा जाता है, टेल पूछा जाता है, टेल्स आता है, टोल्ड आता है, आस्क आता है, आस्क्ड आता है, इनडायरेक्ट का जुमला जब किया जाता है तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के लिए जो है ये जुमले के मुनासिबत के हिसाब से जो है से का, सेस का, टेल का, टेल्स का, टोल्ड का, आस्क या आस्क्ड और भी कुछ आते हैं जुमले की मुनासिबत से उनका इस्तेमाल किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के। इसका मतलब पहला जो चेंज होता है वो इनडायरेक्ट के सेंटेंस करते वक्त रिपोर्टिंग वर्ब का किया जाता है, जैसे कि बोलने वाला यहां दिया हुआ है ये सेट टू, पहला चेंज इसमें किया जाता है। फिर दूसरा ये है कि कॉमा की जगह कंजंक्शन के लिए यानी दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए जो है जुमले की मुनासिबत से अलग अलग जुमलों में किसी में डेट का इस्तेमाल होता है, किसी में इफ वेदर का इस्तेमाल होता है, किसी में डब्ल्यूएच वर्ड आता है तो किसी में टू आता है। कौन से जुमले में आएगा, जो जो किस्म हम देखते जाएंगे उस वक्त में उसका कंजंक्शन और रिपोर्टिंग वर्ब भी हम देखते जाएंगे। फिर तीसरी जो बात है यानी ये कॉमा हटाया जाता है, यहां पर कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है दो जुमलों को जोड़ने के लिए। तीसरा है रिपोर्टेड स्पीच के लिए प्रोनाउंस तब्दील किए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। आपको जब तक प्रोनाउंस का चेंज अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस कर नहीं सकते हो। इसका एक बहुत बेहतरीन बॉक्स मैं आपको नेक्स्ट जो है तो वीडियो में समझाने वाला हूं जिसके जरिए आप जो है आसानी से समझ सकते हो। तो प्रोनाउंस तब्दील किए जाते हैं यानी जुमले में जो भी प्रोनाउन दिए जाते हैं उन प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है, नाउन चेंज नहीं होते। अगर नाउन दिया हुआ है तो नाउन चेंज नहीं होता, प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। फिर जो है ये चेंज किया जाता है प्रोनाउन,
उसके बाद अगला नंबर है कि जुमले में रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस हो, ये देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है तो गलतियां करती है। यहां क्या कह रहा है कि जुमले का रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस हो, पास्ट टेंस हो यानी सैड आए या सैड टू आए, अगर यहां रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू आए तो टेंस तब्दील किया जाता है, यानी कहां का टेंस, ये जो हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब के मुनासिबत से वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। कब? अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू आए उस वक्त। आगे क्या कह रहा है, अगर जो है प्रेजेंट या फ्यूचर हो, यानी से या विल से आए, यानी इसकी जगह सैड की जगह से आए या विल से आए, तो क्या होता है उसका जो है टेंस तब्दील नहीं किया जाता है। मतलब अगर यहां पर से या विल से आए तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना है। जब हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा तो उसकी मुनासिबत से वर्ब जो है वो भी चेंज नहीं होगा, यानी टेंस नहीं बदलना है। किस वक्त? जब अगर जुमले में से या विल से आए उस वक्त, और अगर सैड आता है तो आपको फिर टेंस बदलना है। अगला नंबर कह रहा है कि कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं, एडवर्ब होते हैं या टाइम वाले वर्ड्स होते हैं, उनको तब्दील किया जाता है। कौन कौन से होते हैं इसका भी हम बॉक्स देखेंगे। तो ये तीन चीजों के हम बॉक्स देखेंगे, एक प्रोनाउंस, दूसरा टेंसेस और तीसरा ये जो मखसूस अल्फाज होते हैं टाइम और एडवर्ब्स के, इसका बॉक्स। ये तीन बॉक्स जो चेंज होते हैं, ये तीनों बॉक्स हम यहां आपको बनाकर समझाएंगे। फिर डायरेक्ट में जो है असर्टिव का जुमला आता है, असर्टिव के अंदर जो है तो अफर्मेटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है। इंट्रागेटिव के सेंटेंस आते हैं, इंट्रागेटिव के अंदर यस नो टाइप क्वेश्चन भी आते हैं और डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी सवाल पूछे जाते हैं और इंपेरेटिव के भी सवाल जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए आपसे पूछे जाते हैं। तो जो असर्टिव है इसका तरीका थोड़ा सा चेंज, इंट्रागेटिव में फिर तरीका थोड़ा सा चेंज, डब्ल्यू एक्सक्लेमेटरी के अंदर जो है थोड़ा सा तरीका चेंज और इंपेरेटिव के अंदर थोड़ा सा, यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये रूल्स जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ये पांच रूल्स चाहे असर्टिव हो, इंट्रागेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इंपेरेटिव हो, सब में लागू रहेंगे। मतलब ये बेसिक रूल्स है, अब हमको सिर्फ तरतीब से ये समझना है कि असर्टिव कैसा चेंज होता है, उसके बाद में इंट्रागेटिव कैसा चेंज होता है, एक्सक्लेमेटरी कैसा होता है और इंपेरेटिव कैसा होता है। तो हम इन तमाम के ऊपर, जैसे असर्टिव के ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, इंट्रागेटिव के ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाएंगे और एक्सक्लेमेटरी के ऊपर एक सेपरेट और इंपेरेटिव के, यानी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हम इन चार चीजों पर चार वीडियोस बनाएंगे। और आज के वीडियोस के अंदर जो है हम सिर्फ इसके बेसिक रूल देख रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये असर्टिव का सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। जैसे यहां उमर सैड आया, तो अगर सैड टू आता है तो सैड की जगह जो है टोल्ड लिखा जाता है, उमर टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको कंजंक्शन के लिए यहां पर डेट का इस्तेमाल करना है। अब पहला चेंज प्रोनाउन का। अब ये जो आई का इस्तेमाल हुआ है, आपको ये देखना है ये स्पीकर के लिए है कि लिसनर के लिए है। स्पीकर के लिए है थर्ड प्रोनाउन, लिसनर अगर फर्स्ट प्रोनाउन में आया है तो ये फर्स्ट प्रोनाउन में चेंज होगा, लिसनर अगर थर्ड प्रोनाउन में आया है तो ये थर्ड प्रोनाउन के मुताबिक चेंज होगा। तो ये आई उमर के लिए इस्तेमाल हुआ था और ये बात उधर जाकर बयान कर रहा है कि उमर ने उससे कहा था कि मैं अकोला जा रहा हूं। जब ये मैं सुनेगा उधर जाकर बोलेगा कि उमर ने मुझसे कहा, मुझे बोला कि मैं बोलेगा कि वो बोलेगा, क्योंकि अब वो उमर के बारे में बोल रहा है जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं है। तो ये बोलेगा उमर जो है, तो उमर के लिए वो का इस्तेमाल करेगा, वो के लिए आता है ही। अब यहां सैड आया था, टेंस चेंज होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको बता देता हूं, लिखकर भी दोगा कि इसमें पूरा प्रेजेंट टेंस पूरे पास्ट टेंस में चेंज होता है, यानी यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया तो यहां पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो एम का हो जाएगा वाज, और गोइंग जो है वाज में भी गोइंग आता है कंटिन्यूअस के अंदर, इसलिए वर्ब कोई चेंज नहीं होगा, और टू अकोला। तो अब ये हो रहा है कि उमर टोल्ड मी, उमर ने मुझसे बोला कि वो अकोला जा रहा था, वो पास्ट में चला जाएगा क्योंकि उसने उसको बोला था, इसलिए वो पास्ट में चला जाएगा, जुमला चेंज हो जाएगा। अगर यहां प्रेजेंट होता तो फिर यहां वाज नहीं आता, यहां पर जो है इज आता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज आता, क्योंकि एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से जो है डायरेक्ट से जुमला इनडायरेक्ट के अंदर चेंज होता है। तो अब हम देखेंगे इसमें चेंजेस होने वाले जो तीन बॉक्सेस है, प्रोनाउन,
टेंसेस और कुछ मखसूस अल्फाज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह से चेंज होते हैं। अब मैंने यहां पर जो है प्रोनाउंस का एक बॉक्स बनाया हूं जिसमें प्रोनाउंस जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पोसेसिव और रिफ्लेक्सिव टाइप के आते हैं सेंटेंस के अंदर। अब इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल कैसे करना है, इसको चेंज कैसे करना है, तो इसे आप थोड़ा अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फर्ज कीजिए सब्जेक्टिव की लाइन हम देखते हैं कि आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर प्रोनाउन आई आता है, अगर आपको आई आता है तो उसे फर्स्ट पर्सन को स्पीकर के मुताबिक अगर चेंज करना है तो उसे आप करोगे ही शी के अंदर। अगर यहां पर आई आता है फर्स्ट पर्सन में तो थर्ड पर्सन के मुताबिक उसे ही और शी में चेंज किया जाएगा वॉइस और गर्ल्स के मुताबिक। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन वी आता है तो उसे थर्ड पर्सन के मुताबिक आपको चेंज करना है दे के अंदर। फर्ज करो अगर आपको यू आता है सेकेंड पर्सन यू सिंगुलर एक के लिए, अब आपको यहां पर खास तौर पे यू के अंदर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि फर्स्ट पर्सन अगर आता है तो वो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है। अब ये जो यू है इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको यू अगर लिसनर के लिए आया जैसे मी आया, वहां पर मी आया वो फर्स्ट पर्सन है उसके मुताबिक आपको यू का आई बनाना होगा, और अगर आपको यू प्लूरल के लिए जमा के लिए आया तो यू का आपको वी बनाना होगा। अगर आपको ये यू स्पीकर लिसनर के लिए आता है जो गायब है जो थर्ड पर्सन है जैसे वहां पर किसी का नाम आता है या फिर हिम आता है या थर्ड प्रोनाउन वहां पर आता है तो उस वक्त में आपको इस यू का इस्तेमाल जो है ही और शी के लिए करना है, मतलब आपको थर्ड प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। और प्लूरल मेरा जमा में अगर रहा एक से ज्यादा के लिए रहा तो आपको दे का इस्तेमाल करना है। तो इस बात का आपको खासतौर पर ख्याल रखना है कि ये यू जो है फर्स्ट पर्सन के अंदर भी चेंज होता है और थर्ड पर्सन के अंदर भी चेंज होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है लिसनर पर, लिसनर के ऊपर आपको ध्यान देना है कि ये लिसनर जो है वो फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अगर वो रहता है जैसे वहां पर मी आता है तो आपको फर्स्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, या वहां पर अस आता है तो फिर आपको जो है फर्स्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। और अगर वहां पर किसी का नाउन आता है, नाम आता है जो आपके सामने बैठा टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, मदर टोल्ड सेड टू हिज हर डॉटर, अगर इस तरह से आता है थर्ड प्रोनाउन मतलब जो प्रेजेंट नहीं है तो उस वक्त आपको यू का इस्तेमाल जो है ये थर्ड पर्सन के मुताबिक ही शी इट और जमा रहा तो दे में करना है। ये आते हैं आपको सब्जेक्ट की जगह, ये सब्जेक्टिव है आई वी यू ही शी इट दे, ये सब्जेक्टिव है। अब अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑलरेडी थर्ड प्रोनाउन देता है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे ही देता है, शी देता है, इट देता है, दे देता है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं, ही रहा तो ही रहेगा, शी रहा तो शी रहेगा, इट रहा तो इट ही रहेगा और दे रहा तो दे ही रहेगा, इसे दूसरे और पहले में चेंज करना नहीं है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव के तौर पर फिर वही मामला, अगर जो है मी आता है तो उसका हिम और हर बनेगा, अस आता है तो उसका देम बनेगा। अब अगर ये यू ऑब्जेक्ट की जगह आता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह यू आता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी यू का इस्तेमाल होता है, फिर आपको यही देखना है कि ये लिसनर के लिए इस्तेमाल हुआ है, लिसनर जो है वो फर्स्ट प्रोनाउन है या थर्ड प्रोनाउन है। अगर फर्स्ट प्रोनाउन है तो आपको जो है मी और अस का इस्तेमाल करना है, अगर थर्ड प्रोनाउन है तो आपको हिम हर और देम का इस्तेमाल करना है। अब अगर आपको पोसेसिव आता है जैसे माय आता है या अवर आता है उसको थर्ड प्रोनाउन में चेंज करना है तो हिज और हर बनेगा, अवर आता है तो उसका देयर बनेगा। और फिर यहां पर फिर सेकंड पर्सन का वही मामला जो है आपको लिसनर के मुताबिक करना है, फर्स्ट प्रोनाउन रहा तो यूअर का जो है तो माय हो जाएगा,
और यूअर जो जमा के लिए है उसका आवर हो जाएगा। अगर थर्ड प्रोनाउन रहता है लिसनर तो आपको हिज का, हर का और देयर का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव अगर आपको आता है, जैसे माई सेल्फ आता है, अवर सेल्फ आता है, तो थर्ड प्रोनाउन में हिमसेल्फ या हर सेल्फ बनेगा। अगर आपको जो है योर सेल्फ या योर सेल्फ आता है तो फिर आपको जो है वही आपका ध्यान रखना है कि लिसनर के मुताबिक जो है वो फर्स्ट प्रोनाउन रहा तो आपको माई सेल्फ और अवर सेल्फ का इस्तेमाल करना है। अगर वो लिसनर थर्ड प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, तो आपको जो है हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का इस्तेमाल करना है। ये चीज को आपको अच्छी तरह से जहन में रखना है। तो ये प्रोनाउंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करने के लिए। अब मैं इसके लिए आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बताता हूं जिसके जरिए आप आसानी से उसको समझ सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी आपको उस नोटबुक के अंदर नोट करना है। अब मैंने यहां पर एक फॉर्मूला लिखा हूं और उसको समझाने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूं। अब देखिए SON, S मतलब फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, O मतलब ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा जो सेकेंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज मतलब अगर आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है तो वो चेंज नहीं होगा। ये तीनों लिख देता हूं मैं यहां पर ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अगर आपको फर्स्ट पर्सन आता है तो फर्स्ट पर्सन को आपको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। जैसे यहां जुमला लिखा है उमर सेड टू मी, तो ये उमर ये सब्जेक्ट है और मी ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर ये जो पहला प्रोनाउन आपको आया है आई, इस आई को जो है सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है, मतलब किसके मुताबिक चेंज करना है, उमर के मुताबिक, और वो उमर आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, जिस वक्त आप इनडायरेक्ट कर रहे हो वो गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब ये आई को आपको थर्ड प्रोनाउन में चेंज करना है, आई का बनेगा ही। अगर यहां आपको यू आता है यानी सेकेंड प्रोनाउन, तो उसे आपको ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। यहां पर ऑब्जेक्ट है मी, अब यहां पर मी है तो आपको उसके मुताबिक चेंज करना है। मी जो है फर्स्ट प्रोनाउन है तो यू का आई बनेगा फर्स्ट प्रोनाउन के मुताबिक। अगर यहां पर कोई नाउन होता है या फिर हिम होता है, थर्ड प्रोनाउन होता है, तो फिर यहां यू का जो है तो ही बनेगा, यू का ही बनेगा। ये आपको खास तौर पर ध्यान देना है, जो मैंने आपको बॉक्स में भी समझाने की कोशिश किया हूं, इस फॉर्मूले के मुताबिक भी आपको समझा रहा हूं कि अगर सेकेंड प्रोनाउन आता है तो उसे ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। आपको यहां देखना है कि ये लिसनर कौन है, ये ऑब्जेक्ट कौन है। ये अगर फर्स्ट प्रोनाउन है तो आपको फर्स्ट प्रोनाउन वाला बॉक्स यूज करना है। अगर यहां पर कोई नाउन दिया हुआ है या फिर यहां पर थर्ड प्रोनाउन दिया हुआ है, जैसे हिम दिया हुआ है, हर दिया हुआ है, तो आपको उसके मुताबिक थर्ड प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। ही शी का इस्तेमाल यहां पर करना है, दे का इस्तेमाल करना है। अगर आपको तीसरा थर्ड प्रोनाउन देता है, जैसे यहां दिया उसने ही, ऑलरेडी थर्ड प्रोनाउन दिया हुआ है, तो नो चेंज, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं करना है। ही का ही रहेगा, शी का शी रहेगा, दे का दे रहेगा, इट का इट ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा अगर आपको थर्ड प्रोनाउन आता है तो। चेंज करना है आपको फर्स्ट प्रोनाउन को थर्ड में, और सेकंड प्रोनाउन को जो है वो फर्स्ट में भी चेंज होगा और वो थर्ड में भी चेंज होगा, लेकिन काय के मुताबिक, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। आपको ऑब्जेक्ट देखना है कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्रोनाउन है या थर्ड प्रोनाउन है। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्रोनाउन है तो आपको फर्स्ट प्रोनाउन का यूज करना है, अगर ऑब्जेक्ट जो है थर्ड प्रोनाउन है तो आपको थर्ड प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, और थर्ड प्रोनाउन अगर ऑलरेडी देता है तो आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं करना है। तो उम्मीद है आपने जो है इस प्रोनाउन के चेंजेस को समझ लिए होंगे। अगर आपके समझ में आया है या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं कमेंट के जरिए आपका वो कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अब हम देखेंगे दूसरा बॉक्स, मखसूस अल्फाज एडवर्ब या टाइम्स के वर्ड्स के अंदर क्या चेंजेस होता है, और तीसरा बॉक्स टेंसेस में क्या क्या तब्दीली होती है। अब ये जो वर्ड्स है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं, याद रखना है आपको सेकेंड सेंटेंस में किसी के जरिए बोली गई बात में। अगर आपको दिस आता है तो इनडायरेक्ट करते वक्त आपको डैट करना है, दिस आया तो दोस्त, नाउ आया तो देन, टुडे आया तो डैट डे, टू नाइट आया तो डैट नाइट, टुमारो आया तो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे आया तो द डे बिफोर,
लास्ट नाइट आया तो द प्रीवियस नाइट, एगो आया तो बिफोर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन वर्ड्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त इस तरह से चेंज करना होता है। तो ये कुछ ही वर्ड्स है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर अगला जो बॉक्स है टेंसेस में तब्दीली। अब इस चीज को और दोबारा मैं आपको याद दिला देता हूं कि टेंसेस आपको तभी चेंज करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सेट टू आए, से या से टू या विल से या विल से टू आया तो आपको ये बॉक्स चेंज करने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ उसी वक्त चेंज करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस आए। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से कौन से हेल्पिंग वर्ब को किस में चेंज करना है। तो यहां ये चार हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के हैं। तो मैंने जैसे कि पहले आपको कहा था कि पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस पूरे के पूरे पास्ट टेंस में चेंज होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट डू डज है तो डिड आएगा, इज एम आर है तो वॉज वेयर आएगा, हैव हैज है तो हैड आएगा, और हैव हैज बीन है तो हैड बीन आएगा। तो पूरा प्रेजेंट टेंस पूरे पास्ट टेंस में चेंज हुआ है। पास्ट टेंस के अंदर अगर आपको डिड आता है तो ये हैड, और यहां आपको याद रखना है कि हैड लिखने के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। वाज वेयर अगर आता है आपको तो फिर हैड बीन लिखना है, और अगर आपको सेंटेंस के अंदर हैड आता है तो हैड का हैड ही रहेगा, हैड बीन आता है तो हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये अभी आपको ख्याल में रखना है, ये दो ही हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस के चेंज करना है। फिर अगर आपको विल आता है तो वुड करना है, और शैल आता है तो आपको शुड करना है। फ्यूचर के अंदर विल का वुड होगा और शैल का शुड होगा। कैन आता है तो आपको कुड करना है, मॉडल वर्ब के अंदर आपको कैन आता है तो कैन का कुड करना है, और मे का माइट करना है। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये दस हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है। जब रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू आए तो उस वक्त आपको इन हेल्पिंग वर्ब को इस तरह से चेंज करना है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट बॉक्स जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो यहां पर इनके बेसिक रूल्स अब कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहला वीडियो देखेंगे कि असर्टिव, असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव और निगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से बनाते हैं। तो मेरे चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का ये बेसिक का वीडियो आपके समझ में आया या नहीं, या कैसा लगा, या इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरे चैनल E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल E4U।